हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, हंस स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लिया मैं लेके आया हूँ 9 मार्च के SSC CGL के CGL के एग्ज़ाम के 2020 के फर्स्ट सिक्स में पूछे गए क्वेश्चंस। तो उसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एंड लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने जितने भी क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, मैं उन सभी की डिटेल्स के साथ मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, 7 से 8 मिनट की वीडियो हो सकती है आज आपकी। तो दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन, वाडा की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों, क्या चीज़ है ये वाडा? ये स्पोर्ट्स के लिए एक एजेंसी बनाई गई है इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स के द्वारा। दोस्तों, जो आपको क्या करती है, जो खिलाड़ी ड्रग्स का यूज़ करता है उस खिलाड़ी को पकड़ने के लिए वाडा का गठन किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स के द्वारा। दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स और वाडा के बारे में बताऊँ आपको, तो 10 नवंबर 1999 में वाडा का गठन किया गया। इसका जो ऑफिस है आपका वो कैनेडा में है। और दोस्तों, जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं सर क्रेग रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दोस्तों, सिट्रिक अम्ल जो ऑप्शन आपके दिए गए थे वो आपका नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। दोस्तों, सिट्रिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 192.124 ग्राम पर मोल। दोस्तों, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 153 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 310 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जो सिट्रिक अम्ल आपका वाटर, एल्कोहल, एसीटोन सभी में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑस्कर अवार्ड किस व्यक्ति को मिला था? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑस्कर अवार्ड आपको मिला था एमिल जैनिक्स को। दोस्तों, जो ये जर्मन के एक्टर है, 1927 में इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जो कि इनकी मूवी थी साइलेंट मूवी, जिसमें जो मूवी का नाम था इनका द वे ऑफ ऑल फ्लैश। इस मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और पहला ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों का गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो दोस्तों, गोवा पर तो पुर्तगालियों का 510 ईस्वी में कब्जा किया गया था, लेकिन आपको पता ही होगा वास्को डिगामा भारत 17 मई 1948 को आ गया था। तो जो वास्को डिगामा था, सॉरी 1948 नहीं दोस्तों, 1498 में वो वास्को डिगामा भारत आया था कालीकट पश्चिमी तट पर। दोस्तों, उसके बाद आपका 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो को डी अल्मेडा की नियुक्ति की गई थी एज अ प्रथम पुर्तगाली वायसराय। दोस्तों, दोबारा सुनिए, फ्रांसिसको डी अल्मेडा जो कि पुर्तगाल का पहला वायसराय था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी छोर पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्तों, दर्रा जो पास होते हैं उन तो कौन सा है वो पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाना चाहूंगा आपका। इस क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गोवा का गठन कब हुआ था और गोवा भारत का कौन सा राज्य था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों, वो है आपका रूस। रूस को एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों, क्यों किया है वो? क्योंकि जो रूस है अपने स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, इसलिए 9 दिसंबर 2019 को एंटी डोपिंग एजेंसी ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकपाल का लोगो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? लोगो मतलब जो दोस्तों जो आपकी एक पिक होती है वो प्रशांत मिश्रा जी के द्वारा इसको तैयार किया गया था। दोस्तों, थोड़ा सा लोकपाल के बारे में बताना चाहूँगा आपको, जो हमारे लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है हमारे, वो है आपके पिनाकी चंद्र घोष। और दोस्तों, जो लोकपाल का गठन हुआ है वो हुआ था आपका 19 मार्च 2019 को।
और दोस्तों लोकपाल बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो है 45 ईयर्स। दोस्तों लोकपाल का गठन हुआ वो किस लिए हुआ है, एंटी करप्शन को रोकने के लिए। दोस्तों जो पहला समिति बनाई गई है उस समिति के अंदर 8 मेंबर्स की समिति है, और दोस्तों जो लोकपाल आपका आता है वो आर्टिकल 252 के अंदर आता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। एक दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा आपको, पहला जो लोकपाल बिल पास हुआ था लोकपाल बनाने के लिए वो हुआ था आपका 1968 में, जो कि शांति भूषण जी द्वारा दिया गया था। 1969 में ये लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था। दोस्तों लोकपाल इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, उसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा कि लोकपाल क्या है, किस तरीके से है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया उद्धव ठाकरे जी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं अभी प्रेजेंट के। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ आपको, ये 21.8 किलोमीटर लंबा आपका एक फ्लाईओवर है, पुल है, जो कि 14,268 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यूएस डॉलर में बताऊं 2.1 बिलियन डॉलर। इंडिया में समुद्र पर बनने वाला ये सबसे बड़ा पुल होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वो है अबुल फजल। दोस्तों थोड़ा सा अकबर के बारे में बताना चाहूंगा मैं, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था हुमायूं, इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। दोस्तों अकबर का पूरा नाम था अबू आयफत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दोस्तों जो आईने अकबरी है वो थर्ड पार्ट है अकबरनामा का, इसमें अकबर के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो जो थर्ड पार्ट है अकबरनामा का वो है आपका आईने अकबरी। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर का देहांत हो गया फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीणा का दंड किस प्रकार की लकड़ी या कौन सी लकड़ी से बना होता है। दोस्तों वो आपका क्वेश्चन रहेगा, उधमपुर या प्लास की लकड़ी से बना होता है। दोस्तों जो वीणा का उपयोग होता है वो शास्त्रीय संगीत में होता है। कुछ लोग मानते हैं कि अमीर खुसरो दलवी ने सितार की रचना जो की थी आपकी, वीणा और बैंजो जो कि इस्लामिक यूज़ किया जाता था, इन दोनों को मिलाकर सितार की रचना की थी अमीर खुसरो ने, लेकिन इसमें संशय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का महान विभाजन का वर्ष कौन सा था। दोस्तों वो था 1921। दोस्तों महान विभाजन क्यों कहा गया इसे, क्योंकि दोस्तों 1921 से पहले भारत की जो जनसंख्या थी वो कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, लेकिन 1921 के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ती ही चली गई। दोस्तों थोड़ा सा डाटा बताऊँ मैं आपको, 1951 में आज़ादी के बाद हमारी जो देश की जनसंख्या थी वो थी 36 करोड़, और अब लगभग 70 सालों बाद देश की जो जनसंख्या है 127 करोड़, यानी कि लगभग आपके दोस्तों 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है सिर्फ 70 सालों के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। दोस्तों वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA भी पाया जाता है आपका, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आया था आपका वो था तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में। दोस्तों जो पहला ये गोलमेज सम्मेलन हुआ क्या था, ये क्यों हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस टाइम अंग्रेजों को लग गया था कि भारत में अब राज करना कठिन है, तो अब हमें भारत के लोगों को भी अपने पार्टी में शामिल करना पड़ेगा, इसलिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। दोस्तों इसके जो पहले गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो थे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड। और दोस्तों इसमें हमारे देश के किसी भी नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये सम्मेलन आपका लंदन UK में हुआ था। डेट थी इसकी 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका दिसंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। अगला क्वेश्चन देखिए, पथायन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बना है। दोस्तों ये आपका बना है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, और लेकिन किसकी मदद से बनाया है, जापान की मदद से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहूँगा आप सभी से कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ डेली आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।